हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। और वेस्ट इंडीज़ टी एंड गोना ब्लास्ट के एक और महामुकाबला मैच में जो खेला जाएगा बर्बाइस पिरानाज वर्सेज इशोकोबो एनाओ के बीच में। भाई लोग, इस मैच में भी हम लोग ताबड़तोड़ प्रॉफिट करके जाने वाले हैं। आपको क्या करना है, बस वीडियो को अच्छे से वॉच करते रहना। अगर आप वीडियो को अच्छे से वॉच करके जाते हैं तो यकीन 110% आप यहाँ से अच्छा प्रॉफिट करके जाएंगे भाई लोग, क्योंकि यहाँ पर जो आपको टीम दी जाती है वो जेन्युइन टीम दी जाती है। हम आपको बताते हैं कि आपको अपने टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन कैसे इस्तेमाल करना है, कौन से ऐसे खिलाड़ी होंगे जिस को अपनी टीम में आप कैप्टन वाइस कैप्टन तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं भाई लोग, क्योंकि आपको यहां पर सटीक कैप्टन वाइस कैप्टन कॉम्बिनेशन हम देते हैं। और साथ में हम आपको बताते हैं कि आपको ऐसे लॉजिकल पांच पंटर खिलाड़ी के बारे में, जो पंटर खिलाड़ी को अगर अपनी टीम में लेकर चलते हैं तो आपका टीम यकीनन अच्छा प्रॉफिट करके जाता है। और जितने ही बंदे हैं भाई लोग, सभी अच्छा प्रॉफिट करके जा रहे हैं, ठीक है भाई लोग, क्योंकि यहां पर जो हो रही है विनिंग हो रही है भाई लोग, विनिंग हो रही है भाई लोग। तो आपको बस अच्छे से यहां पर वॉच करते रहना है, क्योंकि हम आपको यहां पर बताते हैं भाई लोग आपको अपने टीम में कॉम्बिनेशन कैसे करना है, किस खिलाड़ी को लेकर चलना पड़ेगा, किस तरह से आपको बैलेंस बनाना है और टीम कैसे बनाया जाता है, सारा कुछ आपको यहां पर मिलता है, ठीक है भाई लोग। देखो, अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो देर मत कीजिए, टेलीग्राम पे आ जाइए, क्योंकि टेलीग्राम पे भाई जितने ही बंदे हैं सभी बंदे अच्छा प्रॉफिट करके जा रहे हैं, क्योंकि टीम देते हैं भाई उसमें गजब का टीम देते हैं। और हम आपको बताते हैं इस पर कैप्टन वाइस कैप्टन, अभी का कैप्टन वाइस कैप्टन देख लो भाई लोग, एकदम परफेक्ट और लॉजिकली रहता है मैच में। और अभी देख लो भाई, टीम जो हमने आपको दिया था वो टीम देख लो भाई लोग, इसमें से कैप्टन वाइस कैप्टन यहां पर आप चेक कर लो, इसका जो पॉइंट है गजब का पॉइंट बनाया। और स्मॉल लीग में तो ताबड़तोड़ प्रॉफिट करके बंदे लोग गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सभी बंदे विन करके जा रहे हैं भाई, ऐसा नहीं है कि विन नहीं कर रहे हैं, सभी बंदे विन कर रहे हैं। आप आकर टेलीग्राम चेक कर लो, चेकआउट कर लो, आपको टीम जो मिल दिया है सटीक टीम दिया है, तो लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर आइए और टेलीग्राम साथ जुड़ जाइए मेरे साथ, आपको यहाँ पर परफेक्ट मिलने वाला है। चलिए सबसे पहले हम बात कर ले आज के मैच के बारे में जो खेला जाएगा बीबीपी वर्सेज ईक्यू के बीच में। हम सबसे पहले बात करेंगे कि आज के मैच का जो पीस रिपोर्ट रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, किसके फेवर में काम करने वाला है, जिससे कि आपको अपना टीम बनाते समय एकदम परफेक्ट आप अच्छे से कैप्टन वाइस कैप्टन चुन सकेंगे, ठीक है। तो देखो, जो मैच खेला जाएगा वो खेला जाएगा वालफेयर सेंट्रल ग्राउंड रॉस में खेला जाएगा, ठीक है भाई लोग। अब यहाँ पे इसका पिच रिपोर्ट कैसा रहने वाला है, कैसे बिहेव करेगा वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखोगे मैच खेला जाएगा गुयाना में, ठीक है, ये मैच गुयाना में ही खेला जाएगा। और इसका जो आप देखेंगे तो आपको नज़र आता है कि यहाँ पर इस तरह से रहने वाला है और काम करने वाला है ये, खास करके बैट्समैन को और बॉलर को। देखो, सबसे पहले हम बात कर ले कि आज के मैच में आप अपने टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन किसे चूज़ कर सकते हैं, कौन से ऐसे खिलाड़ी होंगे जिस खिलाड़ी को अपनी टीम में आज के मैच में कैप्टन वाइस कैप्टन चूज़ कर सकते हैं। और 110% अगर आप उस खिलाड़ी को अपनी टीम में लेके जाते हैं तो फिर आपका टीम जो वो परफेक्ट और सटीक बनने वाला है। तो देखो भाई लोग, टोटल हमने आपको यहाँ पर चार खिलाड़ी दिया हुआ है, चार खिलाड़ी। इसमें से क्या करना है आपको, जे फागो को और यहां पर क्यू सैम्प्स को, इसे अपनी टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन आंख बंद करके कर लेना पड़ेगा, ठीक है भाई लोग, क्योंकि ये जो खिलाड़ी होने वाले हैं ताबड़तोड़ खिलाड़ी, आपको परफेक्ट विनिंग करके देने वाले हैं। और दूसरे टीम में आपको क्या करना है, आपको जाना है एस आर सर्जेंट और यहां पर के माइकल के साथ, इस खिलाड़ी को अपनी टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन कर लेना है। क्योंकि देखो, हम जो आपको ये दे रहे हैं ना, इसका रिकॉर्ड आप चेक कर जाके देखेंगे तो ये सभी खिलाड़ी आपको हमेशा से विन करके देते हैं और यही खिलाड़ी आपको ताबड़तोड़ विनिंग करके दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये सभी खिलाड़ी को चूज करना बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है। ये चारों आज के मैच में परफेक्ट खिलाड़ी होने वाले हैं एज अ यहां पर देखेंगे कैप्टन के लिए। चलिए अब बात कर ले, देखो भाई, सभी लोग जाएंगे हाईएस्ट सिलेक्शन की तरफ, ठीक है, लेकिन हम आपको जो ऐसे खिलाड़ी देंगे जिस खिलाड़ी को अपने टीम में यूज करके आपका टीम बहुत गजब बनेगा, ऐसे लॉजिकल पंटर के बारे में, क्योंकि सभी खिलाड़ी हाईएस्ट सिलेक्शन की तरफ जाएंगे और बहुत सारे ऐसे बंदे होंगे जो भूल जाएंगे कि भाई कि उसको लोएस्ट सिलेक्शन वाले खिलाड़ी ही अच्छा विन करके देते हैं, ठीक है। तो देखो, यहां पर हमने आपको पांच खिलाड़ी दिया है, पांच पंटर में से आपको कैसे यूज करना है वो देख लो। ये जो रहेगा ये पंटर रहेगा, पंटर कैसे यूज करना है, देखो आर रिनी को, और बैटर में आपको दो बैटर दिया है हमने, जिसमें से देखेंगे जेफू को और यू बालगोनी को, इसे अपने टीम में करना है एज अ पंटर के लिए यूज, क्योंकि ये पंटर के लिए आपके लिए ताबड़तोड़ प्रॉफिट करके जाने वाले, ठीक है भाई लोग। और यहां पर देख लो आपको, और दूसरे टीम में क्या करना है, आपको जाना है ए एडम्स के साथ और एन डेबोट के साथ, ये खिलाड़ी आपके लिए ताबड़तोड़ प्रॉफिट करके देंगे, क्योंकि ऐसे लॉजिकल पंटर खिलाड़ी हैं ये सभी पंटर खिलाड़ी आपको अच्छा प्रॉफिट करके देंगे। देखो भाई लोग, सभी लोग क्या करते हैं कि हाईएस्ट सिलेक्शन की तरफ जाएंगे, ठीक है। हाईएस्ट सिलेक्शन वाले खिलाड़ी जरूरी नहीं है कि अच्छा परफॉर्म हर मैच में आपको देंगे, जैसे मान लो कि नेपाल और वेस्टइंडीज के बीच में मैच हुआ जिसमें से रस्टन चेस ताबड़तोड़ खिलाड़ी है, 90% लोग ज्यादा उसे लेकर चले होंगे, लेकिन उनका कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाए, ठीक है। लेकिन हमने जो आपको बताया था कि भाई आपको कैप्टन वाइस कैप्टन चेंज करना है, और जो बंदे ने चेंज किया है अच्छा प्रॉफिट करके गया है, ठीक है भाई लोग, तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो लॉजिकली आपको पांच में से एक खिलाड़ी को ड्रॉप कर देना, लेकिन इसमें से आपको चार खिलाड़ी को जरूर अपनी टीम में लेकर के चलना है। चलिए अब बात कर ले कि अब आपको
टीम कैसे बनाना है और किस खिलाड़ी को अपने टीम में लेकर के चलना है और किस तरह से आपका टीम हो सकता है वो यहाँ पर हम देख लेंगे, जिससे कि आपका टीम जो है वो बहुत ही बेहतरीन बनेगा और अच्छा प्रॉफिट, आप यकीनन अच्छा प्रॉफिट यहाँ से करके जाने वाले। ठीक है भाई लोग, तो हम आपको लॉजिकली यहाँ पर कुछ खिलाड़ी दे रहे हैं जिसको अपने टीम में इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पर देखेंगे 6-5 का हमने कॉम्बिनेशन बनाकर रखा हुआ है, जिसमें से विकेट कीपर में 2 विकेट कीपर मेरे में होने वाले हैं, बी जयकरण और यहाँ पर देखेंगे आप के बुडी मेरे टीम में होने वाले हैं। बैटर में यहाँ पर 3 बैटर का इस्तेमाल किया है, जे फूको और आर पेरेज को और आर सर्जेंट को। ठीक है, ऑलराउंडर में हमने यहाँ पर टोटल 4 ऑलराउंडर इस्तेमाल किया है, वी वर्मल को और कीस कैम्पसन को, के मैकल को और आर इवान को। ठीक है भाई, बॉलर में हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है 2 बॉलर का, जिसमें से क्यू टोरिंगा और यहाँ पर जे फ्लिक्स मेरे टीम में होने वाले हैं। देखो भाई लोग, ये फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।